और शॉट लगे थोड़ा रघुनाथ हरी मौज होता है गोल कीपर को जजम न खाते नेट रहे और पहली गोल एफसी में ही बारी जोर घंटा टी एक शून्य के आगे होता है टीम खता तो भी स्लाइडिंग चैलेंज वहां पर जिस तरह से गिराने का प्रयास पीछे से जिस तरह से चैलेंज किया गया था और रेफरी ने वहां पर एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखा दिया है। इसका मतलब है नाइटी की शॉट देने का मौका मिल जाएगा बादल ने बयान दुमका की टीम को। मोहम्मदपुर यूपी कल का चौथा मैच जो 12:30 बजे खेल शुरू अयोध्या तीन पहाड़ साहबगंज वर्सेस 3M एकादश चंदन नगर वेस्ट बंगाल। तो कल काफी दूर दूर से टीम आ रहे हैं। कल इस मैच के बाद अगला मैच भी बहुत ही रोमांचक मैच होने वाले है और निश्चित रूप से ये संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि फिरसा एंजल दुर्गा और संत जोसेफ हाई स्कूल बिहाजुरी के बीच जो एक टक्करदार मुकाबला की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगला मैच भी काफी जोश जोशीला वाला मुकाबला होगा। इस मैच का जो अभी तक का जो रिजल्ट है लाल रंग की जर्सी पहने हुए टीम हल्की सी भी फेंक लें यहाँ पर नोवेल बॉल को कंट्रोल करने के बाद दुवेश लेकिन दुवेश से पहले आज का मौसम काफी रुका रहा है काफी सुंदर मौसम चक्करदार धूप और कभी आसमान में बादल तो आज का मौसम काफी सुंदर रहा है और खिलाड़ियों ने भी जितने भी खेल आज तक का हो चुका अभी तक का जो हो चुका है और सभी खेलों ने काफी प्रभावित किया है। सभी खेल सभी खिलाड़ियों ने
पूरे जी जान से खेला है और वही चीज अभी भी देखने को मिल रहा है। अभी कितने आसानी से हार मानने वाले नहीं है माधोरी बिहार दुमका की चीज। सिचुएशन परिणाम कभी भी बदल सकता है। लगातार जो आक्रमण पे आक्रमण कर रहे हैं और इस बार का कोशिश देखा जाए कि यहाँ पर कॉर्नर में क्या नतीजा निकलता है। लेकिन गोपी उड़ा ये गोलकीपर अभी तक का बहुत ही सुंदर काफी संतुलित तरीके से बिना हड़बड़ाए अच्छा गोलकीपर कहा है। लेकिन जवाब का यहाँ पर बचाव गोलकीपर गोपी ने वहां पर आने से बाएं तरफ दाएं मान कर जिस तरह से बॉल को वहां रोक दिया निश्चित रूप से इसी में गोलकीपर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खिलाड़ियों का जोश देखकर गोलकीपर भी काफी जोशीला अंदाज में चलते हैं। जर्सी नंबर 10 इस तरह से दो खिलाड़ी के बीच से निकल गए थे गेंदबाज लेकिन शॉट लेने के लिए गोल पोस्ट के ठीक सामने से उनको मौका मिला नहीं है। लेकिन ये पावर भी हिटर है निश्चित रूप से गोपी ने कमाल किया है अभी तक। लंबा पास बहुत ही सुंदर यहाँ पर हो सकता है गोपी करके ऐसा मार गलती कर गए। ये चीज काफी इतिहास ऐसा निकल रहा है कि वो पीछे रह रहे हैं अपना खेल के जो स्टैंड है वो बदला नहीं है। आप सोच सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस आपने खेल के ऊपर होनी भी चाहिए और यहाँ पर लेकिन गोलकीपर की चतुराई पहले ही वो भाप दिए थे। अरे मुत्ता जी ने फाड़ दिया खेल तो लाजवाब है कितना तो है काबिले तारीफ प्रदर्शन और इस बार शॉट ट्राई किया लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट वहां एक खिलाड़ी में यहाँ लग रहा है जैसे लग रहा हूँ चेंजिंग बोर्ड से यहाँ पे देख रहा हूँ। इस बार जर्सी नंबर 6 आउट जर्सी नंबर 7
मैदान में जाने के लिए तैयार हैं बाबोली प्यार गुंडा की ओर से। ये बदलाव टीम के लिए कितना ज्यादा टीम के लिए फायदेमंद होगा। और इस वक्त एक और गोल दूसरे हाथ में एक और गोल यहां पर और इस बार का गोल नवन सोरेन के नाम और नवन सोरेन के खाते में भी एक गोल यहां दर्ज होता है और कुल मिला के यहाँ तीन गोल का बढ़त रहते हुए एक टीम ने भी बारी जो बढ़ा की थी और पूरी तरह से यहाँ पर बादली बयान दुनिया के ऊपर दबाव हावी होता क्योंकि दूसरे हाथ में जब आप टीम शून्य से विचर रहे हो तो मैं समझता हूँ लगभग आपके हाथ से वो मुकाबला काफी हद तक वो निकल चुका है। इस समय कहना गलत नहीं होगा अभी तक सोल पुल में दर्ज हो चुका है। आज के दिन का जो फर्स्ट राउंड का मुकाबला है एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग समझिए तीन या तीन से ज्यादा गोल हो रहा है। फर्स्ट मैच का एकमात्र गोल हुआ था इसके बाद अगर देखें तो सेकंड मैच में तीन गोल तीसरा मैच में चार गोल और इस मैच में भी तीन गोल हो चुका है। लेट छुट्टी दे रहा ऐसा नहीं जहाँ का उनका